रतलाम जिले के रिंगनोद थाना अंतर्गत ढोडर पुलिस चौकी के पदस्थ चौकी प्रभारी अनुराग यादव और आरक्षक राजपाल सिंह को उज्जैन लोकायुक्त पुलिस द्वारा 5,000 रुपये रिश्वत लेने के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार कर मामला कायम किया। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस को आवेदक कृष्ण पाल सिंह निवासी कालू खेड़ा से ढोडर चौकी पदस्थ आरक्षक राजपाल सिंह ने एक शराब के केस के मामले में फंसाने की धमकी देकर चौकी प्रभारी के नाम से 10,000 रुपये मांग रहा था कि यदि तुमने पैसा नहीं दिया तो तुमको शराब के केस में फंसा करके जेल भेज दूंगा। इस पर आवेदक ने आरक्षक से कुछ पैसे कम लेने की बात कहकर 3,000 देकर और बोला कि 2,000 एक दो दिन में देने की बात कही। इस पर आरक्षक ने 3,000 ले करके आज आवेदक ने 2,000 और देने गया था। जैसे ही आवेदक ने आरक्षक को पैसे दिए वैसे ही उज्जैन लोकायुक्त के टीम के साथ DSP शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने आरक्षक और SI को रंगे हाथ गिरफ्तार कर मामला पंजीबद्ध कर लिया। इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए रतलाम SP गौरव तिवारी ने अधिकारी अनुराग यादव को एवं आरक्षक राजपाल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। रतलाम से संवाददाता की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।